होली से पहले दिल्ली में हुआ बवाल, 4 साल की मासूम से हुआ दुष्कर्म, सड़क पर उतरा परिवार और पड़ोसी, दिल्ली के इस इलाके में बड़ा तनाव। होली से एक दिन पहले दिल्ली के पांडव नगर इलाके में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर होली से एक दिन पहले आखिरकार दिल्ली के पांडव नगर इलाके में ऐसा क्या हो गया कि भीड़ सड़क पर उतर आई। दरअसल पांडव नगर में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की सूचना जैसे ही लोगों तक पहुंची, गुस्से में आकर लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन करने लगे। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जा रहा है कि 4 साल की बच्ची के साथ उसे ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर के भाई ने ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें, बच्ची रोज की तरह ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन घर में ट्यूशन टीचर नहीं होने की वजह से आरोपी ने बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने उसके साथ गलत काम किया। इतना नहीं, आरोपी ने छोटी सी मासूम को धमकी भी दी कि घर में किसी को बताना नहीं। उधर नाबालिग छोटी सी बच्ची घर में जाकर रोने लगी और परिजनों को उसने सारी घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर थाना मंडावली में उस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया गया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं जैसे ये खबर स्थानीय लोगों तक पहुंची तो भीड़ आक्रोशित हो गई और लोगों ने कारों में भी तोड़फोड़ की। हालांकि किसी तरह पुलिस ने लोगों को शांत कराया और माहौल को बिगड़ने से बचा लिया। इस मामले पर डीसीपी पूर्वी दिल्ली का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें काफी अफवाहें फैलाई जा रही है कि बच्ची क्रिटिकल है, बच्ची की हालत खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, आराम से बात कर रही है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, मेडिकल उनका हो चुका है, काउंसलर से वो आराम से बात कर रही है। ऐसा मेरी जनता से अपील है कि इस तरह की बातों पे बिल्कुल ना जाएं। यहाँ पे कुछ लोग फॉर व्हाट्स एवर रीजन दैट दे मे हैव जानबूझ के इस इंसिडेंट में काफ़ी फॉल्स मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी बातों पर विश्वास ना कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आरोपी की बहन से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे घटना में ट्यूशन टीचर का भी कोई रोल रहा होगा। फिलहाल जांच चल रही है और अगर इस मामले में ट्यूशन टीचर का भी रोल होता है तो पुलिस इस पर भी सख्त कार्रवाई करेगी। इस खबर में बस इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।